राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और दशहरे के उपलक्ष्य में हमीरपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामाजिक समरसता विभाग के हिमाचल प्रांत के सह प्रांत संयोजक वीरेंद्र विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ शस्त्र पूजा के साथ किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने हमीरपुर बाजार में रैली भी निकाली। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस जो आज हम 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो आज के दिन संघ की स्थापना 1925 में हुई थी और आज इसमें एक शस्त्र पूजन का भी विशेष कार्यक्रम रहता है, जिसके द्वारा एक क्योंकि अपना देश वो शक्ति का उपासक है, जहाँ शक्ति है शक्ति के आधार पर ही वहाँ पर शांति स्थापित होती है। तो आगे अभी हम इस वर्ष जो संघ का शताब्दी वर्ष भी है, तो इसमें पंच परिवर्तनों को लेकर हम समाज में जाने वाले हैं, जिसमें सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य और स्वदेशी का भाव ये समाज में घर घर तक पहुँचे, इस दृष्टि से हम अगले शताब्दी वर्ष में घर घर तक जाएंगे। अभी प्रारंभ में इस शताब्दी वर्ष जो 99 वर्ष हमारा अभी पूरा हुआ, इसमें हम ये सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ता और धीरे धीरे समाज में भी इस विषय को ले जाने के लिए प्रयास करेंगे और समाज में जितनी भी अन्य देश विरोधी गतिविधियाँ चलती है उनको भी एक तरह से निराकरण के लिए हम प्रयासरत हैं। इस अवसर पर संघ के स्वयंसेवकों ने आगामी शताब्दी वर्ष 5 परिवर्तनों को लेकर जनता के बीच जाने का संकल्प भी लिया। साथ ही उन्होंने देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर जोर देने का आह्वान किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।